है। तो मैंने जब फीवर आया तो मेडिसिन ली, फर्स्ट डे सेकंड डे थर्ड कि मुझे वैक्सीनेशन का ही मेरी बॉडी में ये असर है, भी कोरोना के जो भी वायरस है या कुछ भी है मेरी बॉडी लगेगी ही, क्योंकि हमारी बॉडी में बहुत ही ज्यादा डिहाइड्रेशन हो जाती है। इतना इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है, नॉर्मल। हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज हम कोई वेट लॉस हैक नहीं शेयर करेंगे, कोई वेट लॉस टिप नहीं, कोई वेट गेन, कुछ भी आपसे वेट लॉस के रिगार्डिंग कोई बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे कोरोना के बारे में, बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक के बारे में। मुझे भी कुछ दिन पहले कोरोना हुआ था, मैं आपको बताऊंगी उसके सिम्टम्स क्या हैं, उसकी रिकवरी कैसे होती है और मेरा कोरोना का एक्सपीरियंस कैसा रहा। मैं सब बातें आपसे स्टेप बाय स्टेप शेयर करूंगी। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि मुझे कोरोना कैसे हुआ, मुझे कैसे पता चला। तो ये बात है 5th of July की। 5th of July को जब मुझे वैक्सीनेशन लगी थी, कोरोना की वैक्सीनेशन। हाँ जी, आप सुनकर आपको हैरानी होगी कि मुझे वैक्सीनेशन लगने के बाद कोरोना हुआ। यस, इट्स राइट, मुझे कोरोना हुआ है वैक्सीनेशन लगने के बाद। 5th of July को मुझे वैक्सीनेशन लगी थी और 8th of July को जाके मुझे फीवर आया। तो मुझे फील हुआ कि मुझे वैक्सीनेशन की वजह से ही फीवर आया। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मुझे ये फीवर कोरोना की वजह से हो सकता है, क्योंकि कोरोना जब आपकी बॉडी में एंटर करता है तब आपको ऑन द स्पॉट एट द टाइम नहीं पता चलता कुछ भी। तो मुझे यही फील हो रहा था कि मुझे वैक्सीनेशन का असर है, क्योंकि मैंने उसी टाइम पे मेडिसिन नहीं ली थी। मैं स्पेन में रहती हूँ तो मुझे डॉक्टर्स ने सजेस्ट किया था कि अगर आपको फीवर आए तभी आप मेडिसिन लेना, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है। तो मैंने जब फीवर आया तो मेडिसिन ली, फर्स्ट डे सेकंड डे थर्ड डे मेरा 4 to 5 days ऐसे ही निकल गए। डेली मुझे फीवर आता था जाता था और मेरी थिंकिंग यही थी कि मुझे वैक्सीनेशन का ही मेरी बॉडी में ये असर है। लेकिन जब मेरा फीवर बिल्कुल नहीं गया तो मैंने अपने डॉक्टर से कंसल्ट किया और उनसे बात की, तो उनको बताया कि मुझे ऐसे ऐसे फीलिंग हो रही है। जब मेरा उन्होंने टेस्ट किया तो मैं कोरोना पॉजिटिव निकली, तब जाके मुझे कंफर्मेशन मिली कि ये वैक्सीनेशन का असर नहीं है, ये कोरोना की वजह से मेरी बॉडी में फीवर आ रहा था। मैं रेस्टलेस फील कर रही थी, बहुत सारी और भी प्रॉब्लम्स थी जो कि कोरोना की वजह से ही थी। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में कि मुझे इसके सिम्टम्स क्या क्या शो हुए फीवर के अलावा। सबसे पहला तो मैंने आपको बता दिया कि इसकी वजह से फीवर होता है। सेकंड इज डैट कि आप रेस्टलेस फील करते हो, आपको बॉडी पेन होता है, आपको कफ होती है और आपको ब्रीदिंग में भी प्रॉब्लम आती है, जिसकी वजह से आपको जब सांस लेने में प्रॉब्लम आती है तो आप बहुत ही ज़्यादा इरिटेट फील करते हो और आपके मुंह का टेस्ट भी चला जाता है, जिसकी वजह से आपको कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती है। सॉरी, एक बात ऐड करना मैं भूल गई, कोरोना जब आपकी बॉडी में एंटर होता है आपको पता नहीं चलता है। ये बात मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मुझे वैक्सीनेशन लगने से पहले ही कोरोना आई थिंक मेरी बॉडी में एंटर कर गया था, क्योंकि जैसे मुझे वैक्सीन लगी थी अगर उसके बाद में एंटर होता तो सिम्टम्स कुछ और होते, क्योंकि मेरे 3 to 4 days के बाद में बॉडी में मुझे पता चलना शुरू हुआ है। डैट मीन्स कि कोरोना मेरी बॉडी में पहले ही शायद एंटर कर चुका था, क्योंकि 5th of July के बाद में मैं बाहर बिल्कुल नहीं निकली। उसके पहले ही जो भी कोरोना के जो भी वायरस है या कुछ भी है मेरी बॉडी में एंटर किया, वो पहले ही किया, क्योंकि 5th of July को मुझे वैक्सीन लगी है। तो उसके बाद में मैं बिल्कुल भी बाहर किसी के भी कांटेक्ट में नहीं गई हूँ। अभी बात करते हैं आप इसकी रिकवरी कैसे कर सकते हो। सबसे पहला, आप कोरोना को भगाने के लिए, उसको कम करने के लिए, उसके लिए आप काढ़ा बना के पी सकते हो, जो कि मैं डेली पीती थी। उसके बारे में मैं अलग वीडियो में बताऊँगी कि मैं क्या करती थी, कैसे बनाती थी, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, उसके लिए स्पेशल अलग से वीडियो बना दूंगी जिससे आप सब लोगों को हेल्प मिले। और मैं फ्रूट्स ज़्यादा से ज़्यादा लेती थी, क्योंकि फ्रूट्स में वाटर कंटेंट भी होता है, उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं जिससे हमारी बॉडी को हेल्प मिलती है सही होने में। इम्यूनिटी भी हमारी धीरे धीरे बढ़ती है, बॉडी में हमारी बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाती है, वो फ्रूट्स खाने से हमारी वो वीकनेस भी दूर होती है। हमें बहुत सारे फ्रूट्स के फ़ायदे हैं, वो आप सभी को पता है, इसलिए मैं डेली फ्रूट्स ज़्यादा से ज़्यादा खाती थी। आप पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए, क्योंकि मैं खुद बहुत पानी पीती थी। वैसे ही आपको पानी की प्यास लगेगी ही, क्योंकि हमारी बॉडी में बहुत ही ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो जाती है, बहुत ज़्यादा हमें ऐसे लगता है कि हमारा गला सूख रहा है, हमें पानी चाहिए, हम बार बार खुद ही पानी की तरफ जाते हैं।
फिर भी अगर आपको पानी पीने का मन नहीं होता है तो आप प्लीज ज्यादा से ज्यादा पानी पिए, ताकि आपकी बॉडी के अंदर जो भी कुछ गंदगी कह सकती हूँ, क्योंकि एक वायरस है तो उसका बाहर निकलना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। वो जितना आप पानी पियोगे उतना ही अंदर से क्लींस होती जाएगी आपकी बॉडी। नेक्स्ट थिंग इज दैट कि आप ठंडी चीज़ें बिल्कुल ना खाएं। लाइक एज हम अगर दही खाते हैं, बनाना खाते हैं, या कोई भी आप कोल्ड वाटर पीते हो, कोल्ड कॉफ़ी पीते हो, तो प्लीज़ ये चीज़ें कुछ दिनों के लिए अवॉइड करें, क्योंकि ये आप थ्रोट में आपके प्रॉब्लम कर सकती है, जिसकी वजह से अगर आपको कफ है तो आपकी कफ की प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ सकती है, आपके ब्रीदिंग में भी ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती हैं। आप कोशिश करें अगर वाटर भी ले रहे हैं तो हल्का सा ल्यूकवॉर्म लें या नॉर्मल वाटर लें, जिससे कि आपके थ्रोट में या आपको ब्रीदिंग में या आपके मुंह के टेस्ट में कोई प्रॉब्लम ना हो। मुंह का टेस्ट तो वैसे ही चेंज हुआ होता है, लेकिन अगर आप कुछ अच्छी चीज़ खाएंगे, लाइक जैसे मैंने बताया फ्रूट्स वगैरह खाएंगे, तो आपका मुँह का टेस्ट धीरे 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 सही होने लग जाए। हम अभी बात करते हैं कि मेरा कोरोना का एक्सपीरियंस कैसा रहा है। मेरा कोरोना का एक्सपीरियंस तो यही कहता है कि इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, कि जैसे लोग बताते हैं कि कोरोना ऐसा है वैसा है, ये मेरी सोच यही है कि इससे डरने वाली बात ऐसी कोई भी नहीं है। आप लोगों को किसी को भी डरना नहीं चाहिए, ये नॉर्मल फीवर है। हाँ ये है कि ये बॉडी में वीकनेस करता है, आप अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए कुछ भी खा सकते हैं, पी सकते हैं। अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है तो आपकी बॉडी को ये इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि मैंने खुद अपनी बॉडी पे ये फील किया है, क्योंकि मैं खुद फील करती हूँ कि अगर मेरी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग थी, मैं खुद अपनी तारीफ नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये बात मैं बोल रही हूँ कि मेरी इम्यूनिटी मैं फील कर रही हूँ, मैं अपनी बात कर रही हूँ। कुछ लोगों की शायद नहीं होगी ना इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग, मुझे लगता है कि मेरी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग थी, इसलिए मैं इसको जल्दी रिकवर कर पाई। मैं 5 to 6 days में मैंने टोटली रिकवर कर लिया था, लेकिन उसके बाद में जो थोड़ी बहुत वीकनेस रह जाती है वो धीरे धीरे कम होने लग जाती है, अगर आप अपने खाने पीने का ध्यान रखते हो तो। अगर आप अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग करने के लिए कुछ नहीं करते हो तो ये आपको प्रॉब्लम कर सकता है। तो प्लीज़ अपनी इम्यूनिटी बूस्टर चीज़ें अपनी डाइट में ऐड करें, और प्रोटीन रिच डाइट लेना स्टार्ट करें, ताकि आपको वीकनेस बिल्कुल फील ना हो। जैसे कुछ लोग बताते हैं कि हाँ कोरोना ऐसे ही होता है वैसे, तो मतलब बहुत इसको बहुत बड़ा बना दिया, इतना इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल फ्लू है, नॉर्मल फीवर आता है, लेकिन जैसे मैंने पहले बताया ये बॉडी में वीकनेस करता है, आपकी बॉडी बहुत बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है, इसलिए आपको ऑलवेज अपने इम्यूनिटी सिस्टम पर ध्यान देना है। ओके जी, अगर आपको कुछ और जानना हो कि इसके लिए आपको और क्या करना चाहिए, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। अगर आपको ये मेरा एक्सपीरियंस, ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आप कुछ भी और जानना चाहते हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। ओके जी, मिलते हैं किसी नई वीडियो में। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।